हाय, मेरा नाम तनुश्री है, जो आप सभी को ऑलरेडी पता है। और आज मैं कुकिंग कर रही हूँ, तो मैं आज बना रही हूँ पनीर बटर मसाला। ये मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ। फर्स्ट मैंने क्यूब्स में पनीर काट लिया है, देख सकते हैं कितनी बारीक है। उसके बाद मैंने कैप्सिकम, उसके बाद क्या काट लिया यार, हाँ उसके बाद मैंने टमाटर काट लिया और प्याज, कुछ मैंने एकदम छोटा छोटा करके चॉप किया है और कुछ मैंने क्यूब्स में काटा है, वो फ्राई करके उसमें डालेंगे। इसलिए अभी मैं दिखाने वाली हूँ, रुक जाओ। पता है ये मैंने फास्ट फॉरवर्ड में डाला है, फिर भी पता नहीं इतना क्यों लंबा लग रहा है। वैसे एक्चुअली में काफ़ी टाइम लगा है, ठीक है, मतलब आधा घंटा, नहीं आधा घंटा नहीं, एक घंटा तो लगा ही होगा। तो अरे भाई अभी तक काट रही हूँ, रुक जाओ थोड़ा वेट कर लो। हाँ बस अभी दिखाने वाली हूँ। हाँ भाई हो गया हो गया। हाँ देखो, हाँ मैंने बोलना ही भूल गया, अरे जिंजर भी काटे थे। हाँ तो अभी मैं गैस ऑन कर लिया है, उसके बाद मैं डालूँगी इसमें 2 टेबल स्पून ऑयल, कोई भी ऑयल चलेगा, और 1 टेबल स्पून बटर। और उसके बाद मैंने पहले काजू रोस्ट कर लिए हैं, ये ऑप्शनल है, आप कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं, मुझे रोस्ट किए हुए ज़्यादा पसंद है। उसके बाद मैंने उसको थोड़ा थोड़ा रेड रेड किया, उसके बाद उसको निकाल लिया। तो यहाँ मैं वो क्या कहते हैं उसको, लौंग लिया है और इलायची, थोड़ा सा मतलब एकदम हल्का हल्का करके उसका थोड़ा सा निकाल लेंगे। उसके बाद तेल में, यहाँ मैं डर गई थी पता है, रुक जाओ अभी, ये अभी जो हुआ ये पता है मेरे पूरी आँख में चली गई थी, पर मैं बच गई। चलो उसके बाद मैंने जिंजर और प्याज, अनियन और टमाटर डाल दिए हैं, और वो कुछ देर तक मतलब सौते करेंगे जब तक उसका थोड़ा बहुत तब जूस निकल ना जाए। ये रोस्टेड किए हुए जो काजू और ये जो मैंने अभी बनाया जो मसाले, ये अभी पीस लेंगे, मतलब एकदम थोड़ा थोड़ा रफ पेस्ट बनाएंगे उसका, और वो बाद में ऐड करेंगे। उसके पहले पैन को फिर से उस पर 1 टेबल स्पून हम बटर लेंगे, उसके बाद लेंगे बे लीफ्स, उसको तेज पत्ता बोलते हैं, उसके बाद वो जो क्यूब्स में कटे हुए शिमला मिर्च और अनियंस थे वो हम डाल देंगे, वो कुछ देर तक स्टीर फ्राई करेंगे जब तक थोड़ा थोड़ा रेड ना हो जाए। उसके बाद ये जो पेस्ट है वो डाल देंगे और उसको थोड़ी देर तक मतलब पानी के साथ वो थोड़ी देर तक बॉयल होने देंगे। मतलब मैंने थोड़ा ज़्यादा पानी दिया है, आप कम भी दे सकते हैं, क्योंकि मैं 3 स्टेज पे कर रही हूँ इसीलिए। और यहाँ पे मैं मसाले डाल रही हूँ, पहले नमक दिया, उसके बाद जैगरी दिया क्योंकि मैं शुगर नहीं खाती, और उसके बाद मैंने दिया कोरिएंडर पाउडर, उसके बाद मैंने दिया टर्मरिक, और उसके बाद मैंने दिया गरम मसाले आई थिंक, या गरम मसाले, हाँ। तो ये थोड़ी देर मतलब एक बॉयल मैं होने दूँगी, इसको थोड़ी देर ढक के मैं एक बॉयल होने दूँगी, जब तक बॉयल ना आ जाए तब तक उसको ढक के रखेंगे। ये बॉयल आ चुका है, अब इसमें डाल देंगे पनीर।
अब इसको ढक के रख देंगे एटलीस्ट 10 मिनट्स के लिए। मैं तो थक गई यार, मैं सच में थक गई थी पता है। तो तब तक आप नाच सकते हैं, घूम के आ सकते हैं, अपने माँ बाप को परेशान कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। मैं तो अभी जाऊंगी अपने मम्मी पापा को थोड़ी देर परेशान करने, क्योंकि पता है जब वो लोग सीरियल्स वगैरह देखते हैं ना तब मेरे को बहुत मज़ा आता है, तभी मैं एक्चुअली जाती हूँ उनको सताने। तो ये थोड़ा सा थिक हो चुका है ये पेस्ट, 10 मिनट्स हो गए हैं। अभी इसमें डालेंगे हम क्रीम। तो ये क्रीम मैंने थोड़ी देर पहले निकाल के रखा है, तो थोड़ा लिक्विड हो चुका है, तो ये अब डाल लेंगे। और ये पूरी तरह से डालने के बाद हम एक बॉयल नहीं एक्चुअली 2-3 मिनट्स इसको ढक के रखेंगे, बस यही बोलना था। तो ये हो गया है रेडी। अब आप इसको रोटी के साथ खाइए, पराठे के साथ खाइए, चावल के साथ खाइए। दैट्स इट, नाउ बाय।